हेलो गाइस, मैं आपको देखो एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि ये न्यूजीलैंड में ना ये गाड़ी है, ठीक है। इसका नंबर है LYS, ठीक है, 653। जबकि इंडिया, सॉरी मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, कोई नहीं। जबकि इंडिया में क्या होता है, DL7S। तो मतलब कि वहाँ पे DL स्टेट को वो करता है मेंशन, और DL7S टाइप का, जैसे कि मयूर विहार हो गया, वहाँ से मतलब मॉडल निकला हुआ है। फिर इसके बाद एक और नंबर आता है 1B वगैरह कुछ, वो दर्शाता है कि भाई ये कौन सा मॉडल है, जैसे कि 2017 का, 18 का, ऐसा कुछ होता हिसाब। और फिर पीछे चार नंबर होते हैं, इंडिया में ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पर हर गाड़ी का अलग नंबर होगा भाई। जैसे कि मेरी गाड़ी का ये नंबर है। अब इसमें क्या है, अगर मैं चाहे तो $1,000 दे के इसमें अपना नाम लिखवा सकता हूँ, नीरज वगैरह, अगर अवेलेबल होगा तो, कुछ भी, XYZ, नीरज ये वो, ठीक है, कुछ भी, ठीक है ना। जैसे कि वोहरा सिंह, ठीक है, जाट है ना, गुज्जर, ऐसा कुछ भी, मतलब कुछ भी XYZ जो मुझे अच्छा लगता है मैं करवा सकता हूँ। लेकिन $1,000 लगते हैं भाई, $1,000 बोलते हो, 1 लाख रुपये हो गया। हाँ, 5 5 5, सॉरी 50,000 हो गया, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, 50,000 हो गया। देखो अब 50,000 के चक्कर में यार नंबर कौन चेंज करेगा कुछ टाइम के लिए, वो तो जो लाइफ टाइम है उसको करना चाहिए ना। तो मैं सिर्फ, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मतलब कि जो नंबर है ना, नंबर देखो यहाँ आपका ऐसा है, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, स्टेट वगैरह कुछ मतलब नहीं भाई, जो मर्जी अपना नंबर दिखवा लो। जैसे कि ये नंबर मुझे जेनुअन नंबर जो ऐसे ही मिला हुआ है, उसके बाद जो है ना हम बाद में जो है इसका नंबर जो है वो कर देंगे। जैसे किसी को अपना नाम वगैरह लिखाना तो वो लिखवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ ये बताना चाहता था मैं। ओके बाय।